वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज एक न्यू टॉपिक, एक न्यू सेशन आपका स्टार्ट होता है आज से। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन। अब आप कहेंगे सर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इससे पहले जो हमने चैप्टर फिनिश किया है ओपन इकोनॉमी मॉडल, उसमें भी हमने यही पढ़ा। तो बच्चे, नेशनल इनकम खत्म होने के बाद आप यही पढ़ रहे हो। जब से नेशनल इनकम खत्म हुआ है, उस टाइम के बाद से आप एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ही पढ़ रहे हो। इक्विलिब्रियम, आप नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हो। पहले आप क्लोज इकोनॉमी में पढ़ रहे थे, उसके बाद आप ओपन इकोनॉमी मॉडल में आए, अब उसके बाद आप जो एक शॉर्ट रन इकोनॉमी मॉडल में आ गए। अब आप कहोगे सर शॉर्ट रन क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, तो ये आपके बेसिकली आपका एक क्लोज इकोनॉमी मॉडल में पढ़ा सबसे पहले, ओपन इकोनॉमी मॉडल में पढ़ा उसके बाद, अब हम जो पढ़ रहे हैं इसको शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि सर शॉर्ट रन क्या है। तो बच्चे, शॉर्ट रन क्या होता है, इस बार क्या होगा, इससे पहले जो हमने किया उसमें एक चीज, एक बात क्या थी, फिक्स थी, क्या कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। कमोडिटी के प्राइस को हमने क्या लटका हुआ था, कॉन्स्टेंट लटका हुआ था। उसके उस सिचुएशन में नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। तो जो कमोडिटी है जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, या एग्रीगेट सप्लाई जिसकी हम सप्लाई कर रहे थे, उसके प्राइस में मार्केट में चेंज नहीं आ रहा था। जो प्राइस है सो वो कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में हम थे अभी तक। लेकिन अब आज शॉर्ट रन की बात करें तो अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि जिस कमोडिटी की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो जो कमोडिटी है उनकी प्राइस में चेंज आएगा, और एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे तो जो चीज बेच रहे हैं उसकी प्राइस में भी चेंज आएगा। तो इस बार प्राइस में चेंज जब आएगा तो उसके साथ साथ हम किस तरीके से नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की स्टेज को अचीव करेंगे, तो ये इस तरीके से आपका नया हो जाता है। अब सवाल क्या है कि सर ये शॉर्ट रन क्या है, क्वेश्चन ये है बच्चे कि शॉर्ट रन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, देखिएगा, कमोडिटी जैसे कि मान लीजिए कि चीनी की जो शुगर है उसकी प्राइस जो है वो चीनी मिल वाले ने बढ़ा दी है, चीनी की कीमत बाजार में बढ़ गई है, और जो चीनी के जो फैक्टर है, जो शुगर जो प्रोड्यूस करते हैं वो फैक्टर्स हैं, जैसे कि लैंड है, उसके रेंट में कोई चेंज नहीं हुआ था। मैं एक मालिक हूँ, मेरा मिल है, मैं जो शुगर प्रोड्यूस करता हूँ, और शुगर का प्राइस मैंने बढ़ा दिया, हालांकि जो मेरा लैंड था जिसपे मैं, जो मेरे फैक्टर्स जिसको यूज करके मैं शुगर का प्रोडक्शन कर रहा था, उन फैक्टर के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लैंड का रेंट में कोई चेंज नहीं आया, जो मैंने कैपिटल ले रखा था उसका इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, जो लेबर है उसके वेजिस में कोई चेंज नहीं आया, तो इस मैंने अपने प्रॉफिट में भी कोई चेंज, तो इस तरीके से जो है जो फैक्टर्स हैं उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तब भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ जाए, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं शॉर्ट रन। क्लियर है, जब लॉन्ग रन पाएंगे तब लॉन्ग रन की बात करेंगे। तो शॉर्ट रन में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, आपको पता है क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे इकोनॉमी जितना भी डिमांड करती है उन सबके सम को एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है, एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उन सब के वर्थ को हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है आपको आगे पता लगेगा इन अ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें की फैक्टर के प्राइजेस में तो चेंज नहीं आता है, बट कमोडिटी के प्राइजेस में चेंज आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, सबसे पहले हम इस चीज को जरा समझते हैं कि इंग्लिश हिंदी साथ में लगा हुआ है, बट मैं आप पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट आएगा तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, बस जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इनपुट प्राइस आर स्टेबल एट द सम प्रीडिटरमाइंड लेवल, वेयर एज द लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ द टाइम व्हेन ऑल द प्राइस including input price and flexible and the change in the response to the change in the demand and supply. So short run ke andar to input ke price stable rehte hain, commodity ke price mein change aata hai, aur jo long run hota hai usme input ki bhi price change ho jati hai, land, labor, capital, entrepreneur inki bhi price change ho jati hai, aur commodity ke price to change hoti hi hoti hai. Clear hai ji? To yahan par aapke samne to ye isi baat ko keh raha hai Keynes theory of real national income determination, चैप्टर 6 टू जो इससे पहले हमने पढ़ा है,
वी इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द लेवल ऑफ द जीडीपी। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर हमने इस चीज को इग्नोर करा था, किसको, कि कमोडिटी के प्राइस में जो चेंज आएगा, मैं 10 ईयर पे लाकर के आपको पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होता है कि 10 ईयर में सीधा क्वेश्चन और आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन उस 10 ईयर को पढ़ने के लिए पहले आपका बेस तैयार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, पहले क्या पढ़ा, ये कैसे अलग है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कैसे होगा, एग्रीगेट डिमांड में चेंज कैसे होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व का डेरिवेशन कैसे होगा। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स आपको जब तक यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसके 10 ईयर पर नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? तो पहले बेसिक पॉइंट्स अपने क्लियर कर लीजिए एग्रीगेट डिमांड के और एग्रीगेट सप्लाई के, फिर मैं 10 ईयर पे आकर के वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप इजिली उसको आप समझ पाएंगे। हाँ जी, तो ये वही कह रहा है कि जिससे पहले हमने पढ़ा उसके अंदर हमने दो इम्पैक्ट चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी, हमने उसको इम्पैक्ट को चेंज करा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द वेरियस इन द जनरल प्राइस लेवल द चेंजेस द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड टू चेंज विच इज द टर्न चेंज इन द लेवल ऑफ द जीडीपी। अगर भैया प्राइस में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि भैया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में भी चेंज होगा। अब आप कहोगे सर प्राइस में चेंज आने से कैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज होगा, तो आइए पहले आप अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए इस बात को। देखिए वही सब बात आगे पढ़ने को मिलेगा, वही बात तो बता देता हूं। अब सबसे पहले देखिएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हम किन किन चीजों में कर रहे थे। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कॉम्पोनेंट्स क्या कहते हैं, कंजम्पशन था एक फर्म के लिए, हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा हो रहा था हमारी इकोनॉमी में। एक हाउस होल्ड कंजम्पशन पे खर्च कर रही थी, फर्म इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर रही थी, गवर्नमेंट भी एक्सपेंस कर रही थी, और प्लस में हमारा एक्सपेंस जो है नेट एक्सपोर्ट पे भी हो रहा था। ये जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड कह दो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह दो, बात एक ही है इस सिचुएशन में। तो इसके कॉम्पोनेंट्स कुछ इस तरीके के थे हमारे इससे पहले जो भी हमने पढ़ा। और लेकिन आप ये जानते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट हो चाहे आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, ये ऑटोनोमस होता है। सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से पैसा इकोनॉमी में खुद डाल देती है। इन्वेस्टमेंट भी एक जो है ऑटोनोमस रहता है, और आपके पास में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और रिसेशन को देखते हुए वो डिसीजन लेती है और पैसा डालती है, तो उसका प्राइस का कोई इसमें रोल नहीं रहता है। तो बेसिकली यहां पर आपका देखेंगे तो आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर प्राइस का किन चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो कंजम्पशन पे पड़ सकता है और आपका नेट एक्सपोर्ट पे पड़ सकता है, इस पर प्राइस का जो है इंपैक्ट पड़ेगा। बात मैं कर देता हूं कंजम्पशन की, पहले मैं टॉपिक आपका ले रहा हूं वो टॉपिक मैं ले रहा हूं, कंजम्पशन की बात मैं कर देता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं हम पहले कंजम्पशन को। देखिएगा प्राइस एंड कंजम्पशन, आपको पता है कि कमोडिटी की जब प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन क्या होगा, और बेसिकली जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो फिर मेरे खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी। जो एक एप्पल अगर 100 रुपये 100 रुपीज केजी है, क्लियर है, तो मेरे पास में 100 रुपये तो मैं 1 केजी ले लूंगा। अगर वही 200 रुपीज पर केजी हो जाए तो मैं 100 रुपीज में से उसको हाफ केजी ही बाय कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने से, प्राइस इंक्रीज होने से परचेसिंग पावर कम हो जाती है, खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्लियर है, और आपका जो है कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्राइस आपका जो है अगर कम हो गया तो आप देखेंगे कि आपकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उस चीज को आप ज्यादा खरीद सकते हैं, तो कंजम्पशन आपका ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी के प्राइस में चेंज का आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर इन्वर्स रिलेशन पड़ता है, इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है कमोडिटी का तो कंजम्पशन इकोनॉमी में कम होने लग जाएगा, मतलब अगर इन्फ्लेशन आता था वहां कंजम्पशन देखने को मिलता है कम हो रहा है, और प्राइस जैसे ही डाउन होता है तो कंजम्पशन इकोनॉमी में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो बात मैंने कंजम्पशन की कर दी, क्लियर है। अब मैं बात आपका यहाँ पे कर रहा हूँ किस चीज का, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, क्लियर है जी। चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा था ना, लिख देता हूँ उसको मैं नेट एक्सपोर्ट, क्लियर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर दूं, हमारे देश में जो कमोडिटीज हैं उनकी कीमतें बढ़ जाए तो क्या होगा, जो फॉरनर, मान लीजिए कि फॉरनर को $1 के बदले में 80 रुपीज मिल जाता है, एग्जाम्पल के लिए, एक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, और कोई एक सामान 80 रुपीज का है तो फॉरनर तो उसको $1 में उठा करके ले जाएगा, कोई भी फॉरनर है उसको क्या करेगा, इंडिया से $1 में उठा के ले जाएगा। लेकिन वही सामान 160 रुपए का हो गया तो उसको इसके लिए 160 रुपए उसको मिलेंगे कैसे,
उसको $2 के से $160 मिलेंगे ना, तो वही सामान उसको अब $2 का पड़ेगा। तो जो चीज पहले उसको $1 की आ रही थी वो चीज को $2 की पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इम्पोर्ट करना, फॉरनर के लिए हमारे कंट्री से सामान खरीदना मतलब इम्पोर्ट करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्ट करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं रह जाएंगे, या फिर इम्पोर्ट करेंगे भी तो पहले की कंपेटिवली कम इम्पोर्ट करेंगे। और उनका हमारे यहाँ से इम्पोर्ट का काम हो जाना ऑटोमेटिक ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी प्राइस अगर बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और आपको पता है कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट उतना बढ़ेगा, जितना ज्यादा हमारा जो है एक्सपोर्ट कम होगा नेट एक्सपोर्ट उतना कम होगा। तो प्राइस बढ़ने से हमारा क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम। प्राइस बढ़ने से एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है ये भी हमारा कम हो जाएगा, समझे। और प्राइस कम हो जाए हमारे कमोडिटी का तो फॉरनर्स के लिए हमारे कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना कंपेटिवली सस्ता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड होंगे हमारे कंट्री से, हमारे इकोनॉमी से सामान खरीदने में। कहीं ना कहीं उनका इम्पोर्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो प्राइस डाउन होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। तो यहां पर भी आप फाइनली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं इसको और आप इसको। तो यहां पर भी आप एक चीज देखिए कि इसमें भी आपका इनवर्स रिलेशन ही देखने को मिल रहा है। तो इकोनॉमी में जो कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है उसका कंजम्पशन पर इनवर्स इफेक्ट होता है, कंजम्पशन कम हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस अगर डिक्रीज हो गया तो कंजम्पशन आपका ज्यादा हो जाएगा। सेम इफेक्ट आपको नेट एक्सपोर्ट में भी देखने को मिलेगा कि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई है तो नेट एक्सपोर्ट कम होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो नेट एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। पहले इस बात को समझ में आया आपको कि किस तरीके से कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे इंपैक्ट पड़ेगा। खैर ये आपका आई और जी तो आप छोड़ दीजिए, क्लियर है। बेसिकली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में हम दो चीज लेके चलेंगे, क्योंकि तो ऑटोनोमस होता है तो सरकार डालती है, लेकिन जो लोग ऑटोमेटिक जो बिहेव करते हैं वो क्या है, वो कंजम्पशन और नेट एक्सपोर्ट में है। तो जो भी प्राइस का चेंज इंपैक्ट देखने को मिलेगा इन दोनों पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों का मैंने बता दिया कि इसका जो है प्राइस में चेंज के साथ में कैसा आपका रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये बात आपसे कहूं तो ये बात गलत नहीं होगी क्या, कि आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जिसमें क्या चीजें मिली हुई है, कंजम्पशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्स माइनस एम, दिस वन, क्लियर है। कंजम्पशन प्लस एक्स माइनस एम, दिस वन, और एक प्राइस, क्लियर है, दो चीजें हैं। तो आप समझ गए इसको कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो आपको पता है कि ये भी डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। तो कुल मिलाकर के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ठीक है। और प्राइस अगर डाउन हुआ तो आपको मालूम है ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर के बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या कि आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, आपको पता लग गया कि इसके बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। तो आप कंक्लूड कर रहे हैं इसको, हम यहां पर लेकर के आ गए हैं। तो इस बात को आप समझिएगा, यहां से तो साफ दिख रहा है जी, हाँ जी, ये चीज आपको समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए, क्या कि हमारे इकोनॉमी में ऑब्वियसली प्राइस में चेंजेस आते रहते हैं। तो जो प्राइस में चेंजेस हमारे इकोनॉमी में आते हैं उसका हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इनवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए ये इतना कुछ मैंने आपको ऊपर से धीरे करके बताया है। देखिए बड़ा सिस्टमेटिकल ऑर्डर में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका सिलेबस बड़ा सिस्टमेटिकल ऑर्डर में है, क्योंकि आपने जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ा तो पहले तो आपको बस यही पढ़ाया गया था कि क्लोज इकोनॉमी मॉडल में आप पढ़ो, जहां पर आपका हाउसहोल्ड और फर्म दो ही सेक्टर होंगे। फिर आपको अगले चैप्टर में लेकर आया तो आपको बोला आप ओपन इकोनॉमी मॉडल में पढ़ो जहां गवर्नमेंट और फॉरेन भी होंगे, क्लियर है। लेकिन दोनों जगह पर एक बात आपके सामने रखी थी कि प्राइस में, कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि प्राइस में चेंज आता है। अब आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, प्राइस में चेंज आएगा, क्योंकि एकदम सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके एक चीज जब समझ में आ जाए तो अगली चीज आप समझने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, इसलिए आपका सिलेबस ऐसा ही डिजाइन हुआ है। तो इससे हालांकि प्राइस में चेंज तो आता ही इकोनॉमी में, बट इससे पहले इसलिए नहीं पढ़ाया गया था आपको क्योंकि आप उस समय एग्रीगेट डिमांड ही कंसेप्ट नहीं समझ पाते। तो समझ गए तो प्राइस में चेंज आने का एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है आप ये भी समझ पा रहे हैं। तो सीक्वेंस में चलना बहुत जरूरी है, क्लियर है जी। तो इस बात को समझ पाए तो चलिए ये क्या कहता है जरा समझते हैं। ये कहता है हाउ चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल इंपैक्ट एई। बच्चे आपको पता लग गया क्या इंपैक्ट पड़ता है, सवाल क्या है कि प्राइस में चेंज आने का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इनवर्स इंपैक्ट पड़ता है, ये बात समझ चुके हैं आप, क्लियर है।
प्राइस अगर इंक्रीज तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज। ये बात समझ में आया कैसे? क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजम्पशन होता है और आपका कंजम्पशन के साथ साथ आपका नेट एक्सपोर्ट होता है, क्लियर है जी। और प्राइस का इसके साथ में क्या रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है। प्राइस इंक्रीज तो ये भी कम, ये भी कम, तो फिर ये भी क्या होगा, कम होगा। प्राइस अगर आपका डिक्रीज तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या तो इसलिए आप कुल मिलाकर के अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्या कहता है, ए ई इनवर्सली रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इस बात को समझे, इतनी सी बात बताने के लिए मैंने आपको पिछले 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं। अ फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल मतलब कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ जाएगा, लेवल कॉज अ राइज इन ए। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो ए ही बढ़ जाएगा। वेयर अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल कॉज फॉल इन ए। बात समझे, अ राइज इन द ए इंप्लाइज ऑन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ ए फंक्शन, वाइल फॉल इन ए इंप्लाइज द डाउनवर्ड शिफ्ट। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड क्या होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इस बात को मैं बताऊंगा आपको कि अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट क्या होता है। इस बात को भी चर्चा कर ही लें क्या, चलिए कर ही लेते हैं इस बात को चर्चा, कुछ छोड़ते ही नहीं है, है ना, कहां पर यहीं पे चर्चा कर लें। चलिए जनरली आप डायग्राम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, एग्रीगेट डिमांड का कैसे बना रहे थे, ये था आपका ये वाई, ये एक्स एक्सिस, क्लियर है जी, समझ गए। और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है जी। अब सबसे पहले आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अपना बना कैसे देते, स्टार्टिंग ये आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था, बात समझे, क्लियर है। अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बताया ना मैंने आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अगर प्राइस कब होगा ये ऐसा, व्हेन प्राइस बढ़ जाए, और जब आपका प्राइस इकोनॉमी के अंदर प्राइस जब कम हो जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब प्राइस यहां पर एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जैसे इकोनॉमी में प्राइस क्या हुआ, बढ़ा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और प्राइस जैसे कम होगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो ये वही बात कह रहा था आपसे, जैसे कि आप यहां देखेंगे तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर प्राइस में चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा नेशनल इनकम पे। चलिए अब ये कुछ बातें कह रहा है, उन बातों को भी सुनना जरूरी है। भैया क्या कह रहे हैं, चेंज इन सी, मैंने ऑलरेडी कंजम्पशन के बारे में सेपरेट बता दिया आपको, क्यों बता दिया मैंने कि प्राइस अगर कम, जनरल प्राइस इंक्रीज होगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा, और प्राइस डिक्रीज होगी तो परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइस और कंजम्पशन के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, बस पहले बता चुका हूं मैं। चेंज इन द अकर्स थ्रू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एसेट्स वेल्थ हेल्ड बाय द पीपल, द डिक्रीज इन पी रियल वर्थ ऑफ द एसेट्स टेंड्स टू रेज। अब हेयर द डिस्टिंक्ट नीड यहां पर पढ़ लेते हैं, इन केस ऑफ इनसाइड एसेट्स चेंज इन पी लेवल्स इंपैक्ट ऑन सी, वाइज चेंज इन द रियल वर्थ ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द पीपल। क्लियर है जी, ये बस इतना ही काफी रहेगा आपके लिए, इतना मेरे में भी लिखनी है इसमें आपको। हाँ जी ये हमारी सेकंड लास्ट यूनिट चल रही है, और इसके बाद अभी तो ये चलेगा, चार पांच क्लासेस लेगा, पांच क्लास मान के चलो, पांच से छह क्लास ले लेगा ये। आज कौन सी तारीख, आज 6 तारीख है, तो 12 तारीख तक तो ये शायद चलेगा, 12 तारीख के बाद फिर हम लास्ट यूनिट पे आ जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपका टॉपिक चैप्टर खत्म 12-13 तारीख के बाद। हाँ जी, तो इतना कर लिखना नहीं है, बस इतना समझ गया बहुत है ये। मैं आपको भी, आपको 10 ईयर में आपको आना है मेनली। अब क्या कह रहा है कि चेंज इन एनी, तो कह रहा है घरेलू कीमत स्तर में बदलाव मतलब प्राइस में चेंज के कारण शुद्ध निर्यात में परिवर्तन होता है। जब घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि होती है,
वेरियंस इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल द कॉजेस द नेट एक्सपोर्ट टू चेंज. जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो नेट एक्सपोर्ट में जरूर चेंज आएगा. कैसे आएगा बताया मैंने आपको. व्हेन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल द इंक्रीज द डोमेस्टिक गुड्स बिकम द कॉस्टलियर. भैया अगर डोमेस्टिक प्राइस मतलब हमारे अगर देश की जो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो डोमेस्टिक गुड्स बिकम्स कॉस्टलियर, महंगी हो जाएंगी इन कंपेरिजन टू द फॉरन गुड्स. एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द नाउ द चीपर, उनकी डिमांड क्या रहेगी, चीपर गुड्स की तरफ चली जाएगी. इट कॉजेस नेट एक्सपोर्ट टू फॉल इंप्लाइंग अदर डाउनवर्ड शिफ्ट इन द एई फंक्शन. और इससे क्या होगा, एई फंक्शन हमारा डाउनवर्ड आ जाएगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर है, इनवर्स रिलेशन होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अब कह रहा है क्या, डिमांड इंड्यूस चेंज इन जीडीपी. तो ये अब सवाल ये है कि आपको पता है कि प्राइस इकोनॉमी के प्राइस में जब भी चेंज आएगा तो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा, मतलब कि डिमांड में चेंज आएगा. तो डिमांड में चेंज आने से आपके इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या है, जीडीपी में मांग प्रेरित परिवर्तन. इसका मतलब है डिमांड इंड्यूस चेंज इन जीडीपी, मतलब क्या है डिमांड इंड्यूस चेंज इन जीडीपी का, कि चलिए डायग्राम समझा देता हूं मैं आपको. देखिए सबसे पहले जो हमने इससे पहले अभी तक पढ़ा था, इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा था हमने, वो कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था. जो इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा, वाई एक्सिस सही से इसको कर ही देते ना स्केल. देखिए नीचे है नेशनल इनकम, और यहां पर मैं लिख देता हूं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. और अगर हम इसको जरा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये पढ़ते थे कि हमारा जो है एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि 45 डिग्री पर निकलता है. ये सब पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है क्यों ऐसा होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इसको इतना पहले हो चुका, आप क्लास देखेंगे तो पहले आपको मिल जाएगा. और एक एग्रीगेट डिमांड कर्व होता था हमारा जो कुछ इस तरीके का होता था. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एग्रीगेट डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता था हमारा जिसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल रहे हैं यहां पर. और जो जहां पे इंटरसेक्ट करते थे ये हमारा एक तरीके का इक्विलिब्रियम लेवल हुआ करता था. और यहां से ये हमारे नेशनल इनकम के लेवल को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है. और ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इस पर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है जी. क्लियर है, क्योंकि आपके जो डायग्राम है इसमें बनाया, चलिए वो कर देते हैं. ये रहा, ये आपका ओ और ये आपका हो गया वाई, ठीक है. अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस है वो क्या हुआ, फॉल हुआ. और जब प्राइस फॉल होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा. और जब प्राइस फॉल हुआ तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा. आपको बताया कैसे बढ़ेगा, बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है. और इनवर्स रिलेशन क्यों होता है इसको भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा. तो प्राइस डिक्रीज होगा तो कुल मिलाकर के एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो बढ़ेगा. ये बात चर्चा में अभी आ चुका है हमारा, तो आइए इसको बढ़ा देते हैं हम. फिर इस कलर से बढ़ाएं इसको, चलिए बढ़ा देते हैं फिलहाल इसी से. तो ये कुछ इस तरीके से हमने बढ़ा दिया, ठीक है जी. अब मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये हो गया, और अब मेरा जो है इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो गया, ये हो गया कौन सा, इवन. यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तब मैं ऊपर जाकर के, सॉरी प्राइस जब डिक्रीज हुआ तब मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया. तो मेरा जो है
जब भी इकोनॉमी में अगर प्राइस डाउन होता है तो आप इस चीज को देखेंगे कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ता है तो हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप हमेशा, जब भी इकोनॉमी में प्राइस डाउन होगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। और अगर ये ऐसा हो जाए कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डाउन मारेगा। चलिए देख लेते हैं इस केस में। चलिए मान लीजिए कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस क्या हुआ, तो अब कौन सा कलर ले, सब कुछ तो छोड़ा नहीं हमने, ये ले लेते हैं। प्राइस आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यही जो पिंक लाइन है अभी आपका नीचे आ जाएगा, और ये आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ये कब किस केस में होगा, ये कहाँ कट इंटरसेक्ट कर रहा है, एग्रीगेट आपका डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका ये वाई डैश हो गया, ठीक है ना, और ये वाई टू हो गया, और ये मेरे पास में इक्विलिब्रियम टू हो गया। तो ये आपको ये बताता है कि इकोनॉमी के जनरल प्राइस में चेंज आने से एग्रीगेट डिमांड में या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है, और इसमें चेंज आने से नेशनल इनकम के लेवल में इक्विलिब्रियम लेवल पे चेंज आता है। अगर प्राइस डाउन होता है तो डिमांड का लेवल बढ़ता है और नेशनल इनकम बढ़ जाता है, और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए, प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का लेवल कम होता है और इकोनॉमी के अंदर जो है नेशनल इनकम एक टाइम के बाद कम होने लग जाता है। तो ये क्या है, ये बात आपको पहले समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए जरा, क्लियर है जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मेरा सवाल ही क्या था, क्वेश्चन पढ़िए, डिमांड इंड्यूस चेंज इन जीडीपी, मतलब कि जीडीपी, इसको जीडीपी कहते हैं, ये जो है ना नेशनल इनकम का जो लेवल है, दिस वन, ये लेवल है, और कितना लेवल है ये, तो इसको जीडीपी बोलते हैं हम, ये जो है ना वाई वाई, इसको जीडीपी कहते हैं, इसको रियल जीडीपी, नेशनल इनकम लिख रखा था ना मैंने अपने डायग्राम में, देखो क्या लिखा था मैंने, ये तो जो ये है ना, ये मतलब ये, इसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, समझे? तो अब आपके पास में क्या कह रहा है ये, इस बात को आप समझ पाए, क्लियर है ना, तो आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को भी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो वही बात कहता है, क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिस वन मेजर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी दिस वन, ये क्या बताता है, रियल जीडीपी को बताता है, एंड वर्टिकल एक्सिस मेजर द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दिस वन, प्राइस लेवल इन द थर्ड वेरिएबल विच इज द नॉट शोन इन द डायग्राम बिकॉज द प्राइस लेवल अफेक्ट्स द रियल जीडीपी, भैया प्राइस को नहीं बताया गया है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, बट प्राइस जो है रियल जीडीपी को इफेक्ट करता है, जीडीपी को बता दिया है, रियल जीडीपी थ्रू द चेंज इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और जीडीपी में कैसे चेंज आ जाता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट अ गिवन प्राइस द लेवल ऑफ द इनिशियल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन ए ई दिस वन, ए इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन पॉइंट ऑन ई दिस वन, ई द कोरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम जीडीपी इज ओ वाई दिस वन, स्टार्टिंग वाला पोजिशन है, जीडीपी इज ओ वाई। अब आगे क्या लिख रहा है, विद डिक्रीज इन द प्राइस लेवल द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन द शिफ्ट अपवर्ड टू ए वन एंड द न्यू इक्विलिब्रियम सेटल्ड एट ए वन ओ वन वाई इज द न्यू रियल जीडीपी कोरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट ए वन, विद द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिक्रीज एंड ए लाइन शिफ्ट द डाउनवर्ड टू ए टू इक्विलिब्रियम सेटल एट ए टू द कोरस्पॉन्डिंग जीडीपी इज ओ वाई टू, हेंस प्राइस लेवल अफेक्ट्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच in turn affects in the level of GDP since GDP change due to the change in the aggregate expenditure due to change in the exogenous expenditure in the economy all other variables, clear hai, a rise in the domestic price level reduce the equilibrium GDP, wo conclude kar raha hai ki jab bhi domestic price level badhega to hamara GDP kya hoga, kam hoga, clear hai ji, और बिकॉज इट कॉज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर शिफ्ट, वही सारी बातें चर्चा में चल रही हैं, अभी आपके अंदर समझ आ जाएगा, जब 10 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल है एग्रीगेट डिमांड विद रिस्पेक्ट टू जनरल प्राइस लेवल, अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रही है आपसे, एग्रीगेट डिमांड या फिर डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व का मैं डेरिवेशन आपको बना करके दिखा रहा हूँ, क्लियर है, एक ही दोनों एक ही चीज है ना,
चलिए आज की क्लास में पढ़ेंगे हम एग्रीगेट डिमांड की डेरिवेशन। हाँ जी वही काम करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास है 40 डिग्री का, ये हो गया। चलिए लिख देते हैं इसको। यहां पर मैं लिख देता हूं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पर आपका वाई एक्सिस जो है वो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास में क्या है y है, ये हमारे पास में क्या है x है, और ये मेरे पास में y है जो एग्रीगेट सप्लाई है। ये बात क्लियर है, समझ गए। अब मैं एक डायग्राम नीचे और बना लेता हूं मैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बता रहा हूं कि वो एग्रीगेट अभी तक आपने सॉरी डिमांड कर्व का, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का देखा, डिमांड कर्व का डेरिवेशन नहीं देखा। डिमांड कर्व का डेरिवेशन बता रहा हूं मैं, इकोनॉमी का डिमांड कर्व कैसे रहता है विद रिस्पेक्ट टू रियल जीडीपी। y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है जी। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ना, रियल जीडीपी एंड प्राइस लेवल, तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बना के दिखा रहा हूं मैं कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके का होता है। यहां पर प्राइस लेवल है, कॉमोडिटी जनरल प्राइस, और यहां पर रियल जीडीपी है। बात समझे। अब चलिए सबसे पहले इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम के स्टेज पर लेकर आते हैं। दिस वन किस कलर से लेकर आओगे, ले आते हैं दिस वन। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आपका वाई एक्सिस से यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका हो गया ओ वाई, ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। ठीक है, मैं इस लाइन को कंटिन्यू करना चाहूंगा, पहले ले आओ दिस वन, उसको हटाते हैं पहले, हटाओ। हाँ ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये है ना हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, इस लाइन को ऐसे खींचो दिस वन, क्लियर है। पहले की तरह लिख दो, आपको दिक्कत नहीं है। ओ वाई लेवल, अब क्या होगा, अब मैं एक काम कर रहा हूं कि, और चलिए यहां पर एक प्राइस भी दे देते हैं ना, दिस वन, कुछ भी एक प्राइस रख दो कहीं पर भी, दिस वन, ये प्राइस इसको यहां टच कर रहा है, ये यहां टच कर रहा है, एक प्राइस कहीं भी दे दो ऊपर नीचे, प्राइस यहां टच कर रहा है। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं कर रहा हूं एक काम कर रहा हूं, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूं पी वन, दिस वन, प्राइस बढ़ा रहा हूं। तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डाउन आएगा। प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डाउन आ जाएगा, दिस वन। कब, प्राइस के बढ़ने से, और इक्विलिब्रियम नया कहां लगेगा, यहां लगेगा, क्लियर है, बात समझे। और ये पॉइंट ये आ गया, मैंने क्या करा, प्राइस को बढ़ाया। अब जब प्राइस को मैंने मान लो ये बढ़ाया, तो ये कहां टच हो गया, यहां टच हो गया, एक पॉइंट तो पहले मिल गया, एक पॉइंट अब मिल गया, प्राइस बढ़ाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस को कम कर रहा हूं। जब प्राइस को मैं कम करूंगा तो फिर मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, प्राइस को जब मैं कम करूंगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर जाएगा, दिस वन, क्लियर है। ये आपका वाई वन हो गया, और ये रहा क्या करा बेसिकली, मैंने प्राइस को कम करा, तो अब मेरे पास पे ये आ गया दिस। अब मैं इन कर्व को मिला रहा हूं, तो मेरा ये क्या कर्व बन गया, एग्रीगेट
एग्रीगेट डिमांड कर्व मेरा ये बन गया, क्लियर है जी। तो आपको समझ में आया एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके से आपने क्रिएट करा। तो हमेशा एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका इस तरीके से, डिमांड तो ऐसा रहता है बट थोड़ा इस तरीके से रहेगा शेप में। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई? क्या कहता है डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, वही चीजें तो हैं, बस उसी को लिख लिख के बताएगा बार बार, क्लियर है। तो आपने देखा जब प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो ये नीचे आएगा, डायग्राम कैसे बनाए ये चीजें आपने देखी है, देख लो एक बार, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, अभी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, 10 ईयर में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस सीधा होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड कर्व में जब ऐसे बनाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे हमने क्यों बनाना है, ठीक है।